वेलकम टू इन्फो ट्रेड टेक्निकल क्लासेस। आप सभी को आशीष सर का प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, मेरे व्हाइट बोर्ड पे एक स्क्रीन लग रही है जिसमें लिखा हुआ है डायग्राम, जिसका नाम है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो आज मैं आपके सामने एक नया इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो नया प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। फुल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, नाम क्या है, और इसके कौन सा पार्ट कैसे कैसे वर्क करता है, और एक क्या चीज नापता है या चेक करता है। ओके, क्लियर मेरी बात? तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। ओके, तो देखिए भाई, एक हमारा होता है बेवल गेज, एक होता है हमारा बेवल गेज। भाई देखिए, बेवल गेज से हम एक डिग्री की एक्यूरेसी से कोई भी चीज मापते हैं। मगर जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो आने वाला युग है या आज का जो युग है वो मशीनिंग युग है। तो मशीनिंग युग में या मशीन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एक डिग्री से भी कम एक्यूरेसी के साथ मैश हुए होते हैं या अटैच हुए होते हैं। तो उन पार्टों को चेक करने के लिए या उन्हीं पार्टों की माप लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ओके, तो जो आपके सामने ये इमेज दिखी ना बच्चों आपको, तो इसे कहते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ओके, तो अब तो आपको पता पड़ गया कि इस डायग्राम का नाम क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। इसके यूजेस क्या है भाई? देखिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से आप किसी भी जॉब का शुद्ध एंगल या कोई भी चीज अगर आपकी टेपर में बनी हुई हो वो आप इजीली माप सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका कोई टेपर है और मैंने ये कहा कि ये मुझे आप एंगल नाप के दिखाइए, तो ये आप किसकी हेल्प से नापेंगे? विद द हेल्प ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ओके, ठीक है। फिर ये इसका प्रिंसिपल यानी ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो भाई ये दो सिद्धांतों पे काम करता है, एक होता है हमारा मेन स्केल और एक होता है हमारा वर्नियर स्केल। दोनों स्केलों के अल्पत माप के अंतर पर ये काम करता है। अभी बताऊंगा आपको किसमें वर्नियर स्केल कहां होता है और मेन स्केल कहां होता है, बस आप वीडियो में बने रहना। ओके, फिर उसके बाद इसका मटेरियल यानी ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपका किस चीज का बना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या तो निकिल क्रोमियम स्टील का बना होगा या स्टेनलेस स्टील का बना होगा या हमारा इनवर स्टील का बनेगा, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, तो भाई अब इसके पार्ट की तरह बढ़ते हैं कि इसका किस पार्ट का क्या नाम है। तो मैं आपके सामने एक इमेज लेके आया हूं जिसमें आपको बिल्कुल शुद्ध रूप में ये लिखा होगा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस पार्ट का क्या नाम है। ओके भाई, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखिए भाई, ये होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ओके, ये देखिए जैसे इसकी बिल्कुल इमेज थी, ये है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। सबसे एंड में बताऊंगा कि इसकी रीडिंग आप विद द हेल्प ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आप किसी भी एंगल को कैसे सूक्ष्मता से माप सकते हैं। ओके, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इसके पार्ट्सों का नाम देख लीजिए कि किस पार्ट का क्या नाम है। ओके, देखिए भाई, क्वेश्चन भी मैं आपको हैंड टू हैंड बता चलूंगा। देखिए भाई, जो इसका ये वाला पार्ट होगा ये वाला, इसे कहते हैं हम ब्लेड। क्या बोलते हैं इसे? हम ब्लेड बोलते हैं। ओके, ये होता है हमारा ब्लेड। और इस ब्लेड को जो ये हमारा स्क्रू है, ये जो स्क्रू है इसे हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो तभी लिखा है एडजस्टेबल ब्लेड, यानी इस ब्लेड को हम किसी इस स्क्रू की सहायता से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये ब्लेड हमारा 150 से 300 mm के बीच का होगा। ओके, इसकी जो इसका डाया होगा, थिकनेस कितनी होगी? इसकी थिकनेस होगी हमारी 2 mm की। और इसकी विड्थ कितनी होगी? विड्थ होती है इसकी 12 से 16 mm की। ओके, क्लियर मेरी बात? ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं ये वाला पार्ट यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं स्टोक, या हम इसे बेस भी कह सकते हैं। ओके, तो जो हमारी ये स्केल होता है ना, स्केल होता है विद्यार्थियों, ये 2 डिग्री में होता है, या तो 60 डिग्री में होगा या हमारा ये
45 डिग्री में होगा, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं, यानी अगर ये मेरे हाथ में वर्नियर बेल प्रोटेक्टर है तो जो उसका ये वाला एंगल होगा एक तरफ का 60 डिग्री और एक तरफ का हमारा 45 डिग्री। ओके, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस वाले एंगल की बात। ओके ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको यह बताया था कि हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दो स्केलों के सिद्धांतों पे काम करता है, पहला हमारा वर्नियर स्केल और दूसरा होता है हमारा मेन स्केल। ओके, पहला हमारा मेन स्केल और दूसरा हमारा वर्नियर स्केल। देखिए भाई मैं आपको दिखाऊंगा कि मेन स्केल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पे कहां होते हैं और वर्नियर स्केल कहां होते हैं। तो भाई जो हमारी ये वाली भारी वाली पार्ट होगी इसे बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं इसे? डिस्क। तो डिस्क पे ही हमारा मेन स्केल होता है, डिस्क पे हमारा मेन स्केल होता है, या मेन डिवीजन भी कह सकते हैं, मेन डिवीजन भी हम इसे कह सकते हैं। और ये पूरा टोटल राउंड होता है हमारा 360 डिग्री में। कितने का स्टूडेंट्स? 360 डिग्री में। 360 डिग्री में ये हमारा राउंड होता है। सपोज कीजिए ये मेरी वर्ताकार एक डिस्क है। क्या बोला मैंने? वर्ताकार डिस्क है। तो जीरो से लेके ये 90, फिर ठीक है दोबारा यहां 90 और फिर हमारा यहां दोबारा 90, यानी जीरो से 90, फिर जीरो से 90, फिर जीरो से 90 और फिर जीरो से 90, यानी ऐसे करके ये 360 डिग्री में बटा हुआ होता है। क्योंकि आप जानते हैं जो ये गोला होता है हमारा पूरा 360 डिग्री में होता है और ये हमारा फिक्स होता है, यानी आप इसे घुमा नहीं सकते। तो क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि जो मेन डिवीजन होते हैं या जो हमारा जो फिक्स्ड होता है वो कौन सा पार्ट होता है वर्नियर में? डिस्क पे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हमारे वर्नियर स्केल। तो देखिए वर्नियर स्केल क्या होते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ये बन रहा है, ये ध्यान से समझिएगा, ये होते हैं हमारे वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल क्या होते हैं? हमारे डायल पर। ओके, तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पे वर्नियर स्केल हमारा कहां होता है? डायल पर। और इस डायल को, जो ये वाला डायल है हमारा, ये पूरा 360 राउंड में घूम सकता है। ओके, तो मैं लिख रहा हूं ये रोटेट, इजीली रोटेट। ओके भाई देखिए उसके बाद अब ये वाला बेल ये देख रहे होंगे, इसका क्या यूज है? इसका यूज ये होता है कि आपने जब रीडिंग ले ली, जब ये हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो आप इसे क्लॉकवाइज समय इस स्क्रू को घुमा दीजिए, तो उससे क्या होगा बच्चों? उससे ये होगा, उससे आपकी जो रीडिंग होगी वो उसमें लॉक हो जाएगी, यानी आपका जो ये प्रोटेक्टर होगा ये बिल्कुल किसी भी कंडीशन में घूमेगा नहीं। ओके, तो भाई इसके बाद देखते हैं हम कि इसके जो मैं आपको दिखाता हूं, जो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल वाला पार्ट था ना बच्चों, ये मेन स्केल वाला और वर्नियर स्केल वाला, अब मैं आपको इसको बिल्कुल जूम करके दिखाता हूं। देखिएगा ये देखिए भाई, ये जो मेरा पार्ट था वर्नियर स्केल वाला, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए भाई जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला, इस पार्ट को मैंने ये जूम कर दिया है। ठीक है, तो आप समझिएगा भाई, आप मेरे साथ समझते चलिएगा। देखिए भाई ठीक है भाई देखिए, ये जो था ऊपर वाला ये मेरे मेन स्केल था। मेन स्केल किस पे होगा? अभी बताया मैंने आपको, डिस्क पर। और जो ये मेरे स्केल होंगे ये वाले, ये किस पे है? मेरे डायल पर। ये कौन से स्केल है हमारे? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो उसमें समझने वाली बस एक बात है कि मेन स्केल का एक मेन स्केल किसके बराबर होता है हमारा? एक डिग्री के बराबर। आप ये बात नोट कर लेना, मैं जब भी कभी कहूं एक मेन स्केल तो समझ जाना आने वाले टाइम में, यानी एक मेन स्केल इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, और आप ये भी बात डाल दीजिए, एक डिग्री में होते हैं हमारे 60 मिनट। ओके, देखिए अगर किसी भी डिजिट के ऊपर अगर मैं ऐसा राउंड लगा दूं आने वाले टाइम में, तो समझ लेना किसका साइन है ये? हमारा डिग्री का। ठीक है, और अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर एक ऐसा डंडा लगा दूं तो एक किसका साइन है? हमारा ये साइन होगा हमारे मिनट का। ओके, तो एक डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं और एक मेन डिवीजन हमारा एक डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो समझिएगा ध्यान से एकदम। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो हमारे इसमें मेन स्केल होते हैं, देखिए भाई मैंने अभी आपको बताया था जीरो से 90 इधर होगा और जीरो से ही 90 हमारा इधर होगा।
तो यानी मेन स्केल के 23 मेन स्केल, यानी 23 मेन स्केल को वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन भागों में बांट दिया गया। कैसे बांटा? देखिए भाई, जीरो से अगर आप देखेंगे तो यह होगा 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23। यानी यहां से जो काउंटिंग हो रही है वो हमारी कितनी है? 23। यहां इसने ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये कौन से स्केल है हमारे? मेन स्केल। उसके बाद जो हमारे नीचे वाले जो स्केल होते हैं जिन्हें वर्नियर स्केल कहते हैं, ये हमारे 12 भागों में इधर और 12 भागों में इधर बटे हुए होते हैं। आप काउंट कर लीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 भाग इधर और 12 भाग इधर। तो मैंने तभी कहा कि 23 मेन स्केल हमारे, 23 मेन स्केल डिवीजन हमारे किसके बराबर है? 12 वर्नियर स्केल डिवीजन की। ओके भाई, तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे चीज को समझिएगा कि 23 मेन डिवीजन किसके बराबर है हमारे? 12 मेन डिवीजन के। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया गया। ओके भाई, इसमें एक बात तो नोट कर लीजिएगा, जब भी कभी ये वर्नियर स्केल इस जीरो से 12 की डिजिट की तरफ बढ़े हुए होंगे ना, तो वो हर तीसरे डिजिट पर नंबर लिखी होगा, नंबर लिखा होगा, जैसे 1, 2, 3 कितना आया हमारा? 15। यानी ये कितना था हमारा? 0, ये 5, ये 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये आ गया 50, और हमारा होगा ये 60। ओके, तो भाई कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की, यानी 5 मिनट। अभी मैं आपको बताऊंगा लीस्ट काउंट कैसे निकली इसकी 5 मिनट, यानी 1 डिग्री का 12वां हिस्सा होता है हमारा 5 मिनट के बराबर। ओके, तो अब समझते हैं इसकी लीस्ट काउंट निकलने का फॉर्मूला क्या होता है। भाई देखिए, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है इसका, एक मेन स्केल माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, जैसे हम वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालते थे। मगर अभी हमने क्या सीखा कि 23 मेन स्केल डिवीजन हमारे किसके बराबर थे? 12 वर्नियर डिवीजन के। तो मैं कह सकता हूं यहां से इजीली कि हमारे 12 वर्नियर डिवीजन किसके बराबर है? 23 मेन स्केल डिवीजन के। ओके, ठीक है। अब मुझे एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान चाहिए, तो देखिए एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान मैं कैसे निकालूंगा, आप देखिएगा। अगर मैं कहूं कि मुझे एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान चाहिए तो कितना होगा? 23/12। तो यानी एक वर्नियर डिवीजन का कितना मान हुआ? 23/12। ये 23 क्या है? मैंने भी आपको बताया था वन मेन डिवीजन कितना होता है? 1 डिग्री के बराबर। तो ये 23 क्या हुए हमारे? ये हुए हमारे डिग्री। ओके, और 1 डिग्री में कितने मिनट होती थी हमारी? 60 मिनट। तो 23 गुना 60, तो अगर जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये आएगा मेरा 1 डिग्री 55 मिनट। ओके, तो यहां से मेरा क्या कंक्लूजन निकला, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, इसमें वर्नियर स्केल के एक खाने का मान कितना होता है? 1 डिग्री 55 मिनट। वो कैसा आया? 23/12। भाई देखिए, या तो आप इसे 23/12 लिख दीजिए, या तो आप इसे 23/12 लिख दीजिए, या इसे 1 डिग्री 55 मिनट लिख दीजिए, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 1 12/11। तो एग्जामिनर आपको तीनों चीजें दे सकता है और तीनों का मतलब ही हमारा एक होता है। ओके, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल कितना था हमारा? 1, ठीक है, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया निकल के हमारा भाई? वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना? 23/12। ओके, तो ये कितना आया हमारा? 23/12। भाई देखिए, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा ना, तो जो भी कुछ निकल के आएगा वो मेरा माइनस में निकल कर आएगा। तो इस वजह से या इसी कंडीशन को बचने के लिए यहां एक हम नया इक्वेशन लगाते हैं, जो कि होती है हमारी, जो फॉर्मूला होता है हमारा, दो मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने तो दो मेन स्केल डिवीजन
लिख दिया यहां, तो वन क्यों नहीं लिखा? तो अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं यहां वन से सोल्व करता हूं 23/12 से, तो उसका जो आंसर आएगा वो सोल्व करके वो माइनस में आएगा। और अगर आप इसे इस उससे भी देख सकते हैं, देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके कि हमारे ये जो 23 मेन डिवीजन है, जो ये हमारा 23 मेन डिवीजन है, 12 भागों में बटे हुए हैं, यानी अगर ये 24 होते, अगर ये 24 होते तो ये बिल्कुल बराबर भागों में बटे होते, मगर ये 23 है तो यानी ये एक से फालतू है थोड़ा सा। यहां देखिएगा ना, ये जो दो बच रहे हैं, ये वाले, ये दो और ये हमारा एक, यानी ये एक से फालतू है, तो इस वजह से हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि वो दो मेन स्केल डिवीजन है। ओके, तो जिन स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा, आई थिंक उनका डाउट क्लियर हो गया भाई। अब ठीक है भाई, ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि तो हम किस उस पर सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू टू में दो मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वन ईयर स्केल डिवीजन। ठीक है भाई, तो दो यहां आ गया, वन वन ईयर स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू थी, 23/12। ठीक है, 23/12। ठीक है, तो दो इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 24-23/12। कितना आया सोल्व करके, ये 1/12। मगर मैंने आपको बताया था 23 डिग्री था ना, तो ये कितना होगा 23 डिग्री, तो एक डिग्री में कितने मिनट होती है हमारी, 60 मिनट, तो ये कितना आया, ये आ गया हमारा 60/12। ठीक है, तो 12 × 5 = 60 के 60 क्या था, मिनट, तो ये आ गया हमारा 5 मिनट। ओके, तो ये कितना आया हमारा 1/12 को जो सोल्व करा हमने, 1 डिग्री को, तो कितना आया 5 मिनट। तो मैंने आपको बताया था ये 5 मिनट क्या है हमारी लिस्ट काउंट, तो यानी वन ईयर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट क्या होगी हमारी, 5 मिनट। तो मैंने आपको इसमें एक बात ये जोड़ी थी इसमें कि 1 डिग्री का 12वां हिस्सा, तो देखिए यहां 1 डिग्री का 12वां हिस्सा ही तो आ गया। ओके, तो भाई ये लिस्ट काउंट निकालने का छोटा सा फॉर्मूला था। ओके भाई, जो स्टूडेंट अधिकतर किसी भी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, तो एक ये हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे एक हमारा कोर्सेज है, जो कि इसमें हमने आपका चैप्टर वाइज हर चीज आपको टॉपिक वाइज क्लियर करवाई हुई है। तो जो विद्यार्थी अपने टेक्निकल नॉलेज को हमारे साथ और गेन करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, तो भाई अभी हमने सीखा लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, अब सीखते हैं हम रीडिंग, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम रीडिंग को कैसे निकालेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा स्ट्रोक या बेस, ये रेफरेंस सतह काम करता है, और जो ये होता है, ये होता हमारा ब्लेड, ये हमारा एंगल नापता है, एक डिग्री होता, एक एंगल होता 60 डिग्री का इसका, और एक होता है 45 डिग्री का। ओके, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, सपोज कीजिए इसने जो एंगल नापा उसकी रीडिंग ये थी, उसकी रीडिंग मेरी ये थी, तो देखिए रीडिंग को पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बता चुका हूं कि मेन स्केल की 23 डिवीजन को इसने वर्नियर स्केल के कितने भागों में बांटा है, 12 भागों में। ओके ओके, ठीक है भाई, देखिए भाई सबसे पहले जो हमारी जीरो आती है, जो ये जीरो वाला पार्ट है, सबसे पहले ये देखते हैं कि जीरो हमारा वाला पार्ट किस पे मिल रहा है। तो देखिए ये मेरा 10 था, ये मेरा कितना होगा 15, ठीक है, 15 के बाद 16 और 17 और ये 18। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, देखिए मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे इसे बिल्कुल ध्यान से भाई, देखिए ठीक है भाई, अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये वाला पॉइंट मेरा 15 था, 15 के बाद जो ये मेरा 16, 17 और ये 18, तो ये मेरा 16, ये हमारा 17 और 18 के बीच में आ रहा है, कौन सा वाला पार्ट, यानी वन ईयर स्केल के जीरो वाला पार्ट। ओके, तो जो बीच में आ रहा, तो जो उसमें पहली वाली डिजिट होती है वो लेते हैं, तो यानी मेन स्केल तो हमारे कितने हो गए, 17 डिग्री। ओके, तो 17 डिग्री तो ये हो गए, मगर अब हम ये देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल है, जो 12 भागों में बटे हुए हैं वर्नियर स्केल, तो वो उसकी जो ये वाली डिजिट होती है वर्नियर स्केल वाली, वो मेन स्केल के कौन से पार्ट से कोइंसाइड कर रही है।
ओके अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो ये मेरा हर वाला हर पार्ट जो पांच पांच मिनट का है, तो पांच दस पंद्रह ये बीस पच्चीस तीस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो तीस वाला पार्ट है वन्य स्केल के तीस वाला पार्ट मेन स्केल के तीस वाले पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है, तो रीडिंग कितनी होगी हमारी 17 डिग्री 30 मिनट। ओके सपोज कीजिए अगर ये ध्यान मिल जाता इस वाले पार्ट पे तो तब ये रीडिंग कितनी होती 17 डिग्री 35 मिनट। ओके भाई इसमें एक ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब भी कभी आप रीडिंग अगर क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं तो आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग भी क्लॉकवाइज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वर्नियर स्केल सॉरी मेन स्केल की रीडिंग को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं तो वर्नियर बैरल प्रोटेक्टर की रीडिंग को आपको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना पड़ेगा। ओके बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। देखिए अब मैं ये वाला एग्जांपल क्लियर कराता हूं आपको। सपोज कीजिए ये मेरा मेन स्केल था। ओके एज यूजुअल मेन स्केल की रीडिंग जीरो स्केल से कितनी मिल रही है 65 वाला 66 67 और 68 के बीच में जीरो वाला पार्ट आ रहा है, तो कौन सा वाला पार्ट लेंगे भाई 67, तो 67 डिग्री तो हमारा हो गया। ओके उसके बाद देखिए हम रीडिंग को कैसे पढ़ रहे हैं जीरो यानी ये पढ़ रहे हैं क्लॉकवाइज समय यानी लेफ्ट टू राइट, तो रीडिंग भी हमें लेफ्ट टू राइट ही पढ़नी पड़ेगी। ओके तो देखिए इसमें कौन सा यानी वन्य स्केल कौन सा वाला पार्ट कौन साइड कर रहा है मेन स्केल के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला, तो ये वाला कौन सा पार्ट है 15 डिग्री का, तो रीडिंग होगी हमारी 67 डिग्री 15 मिनट। ओके भाई मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अब देखिए भाई ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर बताना अगर आपको रीडिंग देखनी आ गई है तो उस पर रीडिंग मेरी क्या शो हो रही है। ओके भाई एक देख लीजिए भाई, ये देखिए ये उसमें था आपका, ये देखिए ये आपके एक एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए भाई ये एक एग्जांपल में लाया हूं आपको एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग का। देखिए भाई इसमें रीडिंग कैसे पड़ रही है यानी इसमें जा रही है, उसमें तो जा रही थी हमारी लेफ्ट टू राइट मगर इसमें आ रही है हमारी राइट टू लेफ्ट, ये हमें कैसे पता लगा, देखिए नंबर हमारे इधर से बढ़ रहे हैं यानी 50 55 60 70 75 और 90, तो रीडिंग जा रही है राइट टू लेफ्ट, तो हम वन ईयर स्केल की रीडिंग भी कैसे लेंगे राइट टू लेफ्ट में। ओके भाई ध्यान देने योग्य बात यही है, अधिकतर स्टूडेंट जो दिक्कत होती है उन्हें रीडिंग समझने में ही होती है, ठीक है। तो भाई देखेंगे रीडिंग कितनी होगी हमारी, देखिए 50 था ये कितना हुआ, ये कितना पार्ट हो गया हमारा 51 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जीरो वाला पार्ट जो है वो 51 और 52 के बीच मिल रहा है, तो 51 डिग्री। ओके उसके बाद देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मिल रही है हमारी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाली 45 वाली जो रीडिंग है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल से बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, तो रीडिंग कौन सी होगी इसकी 51 डिग्री 45 मिनट। ओके तो ये हो गया हमारा जो हमने किसी जॉब का मापा होगा, ये हो गया हमारा एंगल। इसमें ध्यान देने बस वाली यही बात है अगर आप रीडिंग को क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं तो आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग भी क्लॉकवाइज पढ़नी पड़ेगी, अगर आप मेन स्केल की रीडिंग को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को भी आपको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना पड़ेगा। ओके भाई उसके अलावा एक हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और होता है जिसका नाम है ऑप्टिकल बेवल जिसका नाम है हमारा ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। भाई ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल हमारा हूबहू जो वैसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है सेम ऐसी काम करता है, बस इसका फर्क क्या होता है इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है हमारी 2 मिनट। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, और इसमें जो ये डिस्क और डायल होती है ना इसके जो हमारी ग्रेजुएशन होते हैं वो थोड़े बदल जाते हैं, मगर ये आईटीआई लेवल का नहीं है। अगर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके ठीक है, देखिए भाई एक रीडिंग ये भी है भाई, देखिए ये रीडिंग भी आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मुझे बताइएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी आपने देखा होगा कुछ बायोल प्रोटेक्टर हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी लगा हुआ होता है, तो भाई इसे बोलते हैं एक्यूट अटैचमेंट, इसे बोलते हैं एक्यूट अटैचमेंट। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है 30 डिग्री से कम कोण को मापने के लिए। ओके भाई जिस बेवल प्रोटेक्टर में हमारा ये एक्यूट अटैचमेंट लग गया ना उसका नाम होगा हमारा यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। ओके तो भाई ये आज का हमारा टॉपिक था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर VBP, हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है
तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त का शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो विद्यार्थी आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो, जय हिंद।